गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यावसायिक शिक्षक आपका। और ये टीवी के पेपर को लगभग कक्षा 11 से इसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो इसमें एक छोटा सा और चैप्टर बचा है। अक्सर पूछता है कि स्कैनिंग क्या है, रास्टर क्या है, कंपोजिट वीडियो सिग्नल क्या है, और भारत में टेलीविज़न का स्तर, मतलब एक भारत में इसका इतिहास क्या है। आइए देख लेते हैं। स्कैनिंग देखिए, वही आप जो आपकी पुतली दाएं बाएं ऊपर नीचे गति करती है, उसी प्रकार से कैमरा भी आपका इलेक्ट्रॉन बीम सीआरओ होता है ना, कैथोड रे ट्यूब, उसी से करते हैं। तो इन चित्रों को पढ़कर सिग्नल प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम स्कैनिंग कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, एक प्रोग्रेसिव और एक इंटरलेस्ड। तो प्रोग्रेसिव जो होती है, इसमें 625 क्षैतिज लाइनें होती हैं, इसको भाग में बांटा जाता है। जैसे ये आप देखिए बटा हुआ है, इधर से इधर, फिर इधर से इधर। आप इस चित्र को बड़े आराम से बना सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रेस करके। तो इनके अंदर 625 लाइनें जो है आती हैं, और ये ऊपर नीचे गति करती हैं ऊर्ध्व में। तो इसे आप पूर्ण करता है ये 625 लाइन में। मानो कि आँख स्थिर चित्रों में आप जानते ही हैं 16 चित्र प्रति सेकंड की दर से अगर आप देखते हैं तो वो गतिमान होती है। तो अच्छा चलचित्र प्राप्त करने के लिए कम से कम हमें 25 चित्र प्रति सेकंड लगना चाहिए, आना मिलना चाहिए। इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं प्रोग्रेसिव। और इंटरलेस्ट में क्या है कि एक दूसरे को क्रॉस भी करती हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो ये करीब एक से शुरू होता है, 28 से शुरू होता है एक पे, फिर यहाँ से 16 पे, फिर 16 से जाता है 17 पे, फिर 2 पे जाता है, फिर 3 पे आता है, फिर 18 पे आता है। मैं इसे पेज में दे देता हूँ, आप इसको बना के समझा सकते हैं, या बना भी देंगे और उसके बारे में थोड़ा सा लिख भी देंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा कि स्कैनिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, थोड़ा चित्र सही समझा दीजिए। 8 नंबर का सवाल आपका खड़ा हो जाता है, और कभी कभी एक दो नंबर में भी अच्छे से पूछ लेता है। और प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में आपका जो फ्रेम होता है 625 प्रति सेकंड रहता है, चित्र भी आपका 25 चित्र प्रति सेकंड आता है। दोनों का गुणा करिएगा तो 15625 साइकिल पर सेकंड में आ जाता है ये आपका। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपका। इंटरलेस्ट में अगर आप देख लीजिए, चित्र आपने देख ही लिया है, तो इसका इसमें भी करीब वही रहता है, 625 लाइनें होती हैं, और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहती है उसको दो भाग में हो जाता है। यही 625 फ्रेम है आपका इंटरलेस्ट, ये आधा आधा करके दिखाता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी वही 50 प्रति सेकंड आप मान लीजिए, फ्रेम फ्रीक्वेंसी हर्ज में आप कहते ही हैं उसको। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल होता है, रास्टर क्या होता है। जब आपके टीवी में कोई चित्र सीआरओ में नहीं आता है तो आप देखते होंगे कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है बस दिखाई देते हैं, और उसमें सफ़ेद काले दिखाई देते हैं, या रंगीन है तो रंगीन दिखाई देते हैं, तो उसे हम रास्टर कहते हैं। बहुत आसान सवाल है, अक्सर लड़के इस पर भटक जाते हैं कि रास्टर क्या चीज़ है। तो रास्टर बड़ा आसान चीज़ है कि सीआरओ मतलब सीआरटी कैथोड रे ट्यूब जो है आपका, जब इस पर इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं और कोई सिग्नल नहीं मिलता है तो उस समय उस पर चमकता रहता है। तो इसे पर्दा काला होना भी कह सकते हैं, पर्दे पर कोई चित्र नहीं दिखाई देता है। और चैनल का आवंटन कैसे होता है, तो टेलीविज़न सिस्टम में आज तो 100 चैनल से ज़्यादा हैं, लेकिन 100 चैनल से ज़्यादा आप लिख सकते हैं। और इसमें केवल पहले 12 ही चैनल थे, और टेलीविज़न प्रसारण में भारत में करीब पहले स्टार्टिंग में 7 चैनल देखने में मिलते थे। कंपोजिट वीडियो सिग्नल क्या है, ये भी अक्सर पूछ देता है। तो ये बड़े आसान सी चीज़ है, टीवी रिसीवर से डिटेक्टर स्टेज से, टीवी रिसीवर के डिटेक्टर स्टेज से जो आउटपुट सिग्नल आपको मिलता है, वही वास्तव में आपका कंपोजिट सिग्नल होता है। और ये हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी आपको लिखेंगे इसमें। इसमें जो है आपके चित्र वही 15625, मतलब 625 में 50 का गुणा करने से, फ्रीक्वेंसी भी 50 की होती है। और हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल ब्लैकिंग, ये सिंक है, ये ब्लैकिंग पल्स है आपका। तो कंपोजिट सिग्नल अगर आपको एक टिप्पणी भी लिखने को आएगा तो बड़े आराम से आप इसको लिख लीजिएगा। और इसमें भी वही रीट्रेस पीरियड पर्दे से हटाने के लिए इसका उपयोग होता है।
तो ब्लैक इम्पल्सेस को, और इसका भी वीडियो सिग्नल 50% तक होता है और वोल्टेज एम्पलीट्यूड भी इसका 70% होता है। तीसरा इसके अंदर इक्वलाइजिंग पल्सिंग है, तो तीन तरह के कंपोजिट सिग्नल हुए आपके। तो सम विषम लाइनों को दो क्षेत्रों में अगर आप बांटते हैं या अर्ध साइकिल का फेज अंतर अगर आप करें तो इसमें इक्वलाइजिंग पल्स ट्रांसमिट हो जाती है। कंपोजिट में ये सिंक और इक्वलाइजिंग पल्स में इसको दर्शाया जाता है। कंपोजिट सिग्नल को अगर आप इस तरह से बना भी ना भी चाहें तो आप बना भी सकते हैं, 25 से उठाइए और 75 तक ले जाइए। दूसरा हॉरिजॉन्टल को भी ले जाइए, जो है इसको ऊपर से ले आइए, 75 से नीचे ले आके फिर ऊपर ले जाइए। तो ये तीन आपका बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप छोड़िएगा मत। और थोड़ा सा आते हैं इतिहास देख लेते हैं कि भारत में टेलीविज़न का इतिहास क्या है। तो दूरदर्शन के माध्यम से एक श्रेय तो जेल बेल्ट साहब को जाता है, लेकिन प्रारंभिक जो थे जर्मन वैज्ञानिक पाल साहब थे। और भारत में जो प्रसारण हुआ पहले ऑल इंडिया रेडियो से, AIR जिसे आप कह लीजिए, तो ये 1955 में हुआ। उसके बाद इसका औद्योगीकरण हुआ तो इसकी जो आवृत्ति थी वो आपकी 48.25 थी। और उसके बाद भारत टेलीविज़न में एक चित्र में 625 लाइनों को बांटा गया है और एक सेकंड में 25 आपको दिखाया गया। पहला दूरदर्शन केंद्र अगर आप देखें तो 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में स्थापित किया गया, जिसकी आवृत्ति 62 थी। और उसके बाद फिर आप देखें तो पहले तो दो ही प्रोग्राम आते थे, उसके बाद 15 अगस्त 1965 में जो दिल्ली में फिर ही स्थापित किया गया, जिसमें 6 बजे से 10 बजे तक कार्यक्रम दिखाई देने लगे। उसके बाद मुंबई में भी जो है आपका इसका प्रसारण दूसरी बार हुआ तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1972 में मुंबई दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई। और दिल्ली दूरदर्शन केंद्र द्वारा टीवी प्रसारण के विज्ञापन की अगर शुरुआत कहें तो ये जनवरी 1976 में हुई। और उसके बाद रंगीन टेलीविज़न पे आएँ आप तो 15 अगस्त 1982 में हुआ, ये GK भी है आपका, और इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और उसके बाद माइक्रोवेव उपग्रह जो है उससे हमने राष्ट्रीय कार्यक्रम भी शुरू किया। और सूर्य की ऊर्जा से चलने वाला जो आपका टेलीविज़न ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर मतलब कि रिसीवर और ट्रांसमीटर आप समझ रहे हैं, तो 4 जनवरी 1987 को राट भाटा राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई। और देश का ये 186वां दूरदर्शन केंद्र था। उसके बाद फिर आप आएँ अगर तो प्रातःकालीन सभा भी शुरू हुई 1987 में 23 जनवरी को, और इसको जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान CCERI से कहेंगे, तो सी मतलब सेंट्रल, ई माने इलेक्ट्रॉनिक्स, ई फिर इंजीनियरिंग, और आर से रिसर्च और इंस्टीट्यूट, इस तरह से आप कह लीजिए। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो भारत में लगभग 525 दूरदर्शन रिले केंद्र हैं, अब तो ज़्यादा भी होंगे, और 86% भारतीय जनता को अपने कार्यक्रम दिखा रहे हैं। और ये शहरी क्षेत्र में भी हैं और अर्ध शहरी क्षेत्र में भी हैं, और जो है भाषाएं करीब 16 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जा रहा है। और भारत का पास आज सबसे शक्ति और क्षमता वाला प्रसारण केंद्र भी है और दिल्ली के अंदर। और दूसरी मुख्य बात यह है कि भारत की 21वीं शताब्दी का डिजिटल टेलीविज़न कार्यक्रम 21वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो गया था, और इसमें 15 से ज़्यादा भाषाओं को आप सुन सकते हैं। और हाई डेफिनेशन HD को हम हाई डेफिनेशन कहते हैं, टेलीविज़न में जो है इनके सेटों में चित्र स्पष्ट आता है। और 625 लाइन पर पहले आधारित था, लेकिन जब HD आ गया तो 1250, ठीक इसका दूना हो गया। और इस पर टेलीविज़न का आप कंप्यूटर पे भी प्रसारण होने लगा। डिश टेलीविज़न की अगर आप डिश एंटीना मौजूद हैं करीब 20,000 डिश एंटीना, और BBC सर्विस ने करीब 14 अक्टूबर 1991 में अपने 5 चैनल की शुरुआत की थी। और उसके बाद ये धीरे धीरे फैलता हुआ इंडोनेशिया से पृथ्वी से करीब 35,000 किलोमीटर दूरी पर आपका एशिया का सेट जो है प्रसारण करता है। भारतीय रेंज में
मतलब अगर देखें तो एशिया में 38 देश आते हैं, भारत में डिश एंटीना के माध्यम से सभी आज लोग आनंद ले रहे हैं। डिश एंटीना के साथ साथ पहले टेलीविज़न, अब डिश एंटीना का प्रयोग होने लगा। बॉक्स भी हाई डिफिनिशन के बड़े आसानी से उपलब्ध हैं और जिसमें टेलीविज़न के चित्र का प्रसारण और स्पष्ट हो गया, दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आने लगा और ये बाज़ार में हाई डिफिनिशन उपलब्ध भी है। अब आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन पे, तो देखिए आ भी सक ये क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर, दो दो नंबर के। स्कैनिंग कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की। प्रथम बैंड चैनल में कितने चैनल आते हैं? चार आते हैं। टीवी का प्रसारण कब हुआ था? 1995 में हुआ था। भारत में इसका प्रसारण जो है कब शुरुआत हुआ? तो 15 अगस्त 1982 में हुआ। और मुख्य श्रेय आप किसके देंगे? पाल साहब को तो नहीं दे सकते, जे एल बेयर्ड साहब को देंगे, इनको पुरस्कार भी मिला था। भारत में सबसे पहला प्रसारण AIR कह लीजिए, ऑल इंडिया रेडियो, ये भारत की एक औद्योगिक प्रदर्शनी में दिखाया भी गया था। और सत्य असत्य कह लीजिए, चाहे एक नंबर कह लीजिए, तो कार्यक्रम 21वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। भारतीय निर्माण केंद्र CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, ये आपका केंद्रीय मतलब सेंट्रल हो गया, और ये भी सेंट्रल, और ये सी आपका सेंटर, और निर्माण मतलब आपकी प्रोसेसिंग क्षमता वाला सबसे अधिक केंद्र है, ये भी सत्य है आपका। 2 अक्टूबर 1972 में मुंबई का केंद्र स्थापित हुआ था। उसी इतिहास में से आपको एक एक नंबर का सवाल दे रहा है। स्कैनिंग से आप क्या समझते हैं? दो नंबर के सवाल। स्कैनिंग कितने प्रकार की होती है? प्रोग्रेसिव स्कैनिंग क्या होती है? उसके बाद स्कैनिंग, ये सब छोटे छोटे सवाल हैं। इंटरलेस्ट स्कैनिंग क्या है? ये दो नंबर के सवाल हैं, चार भी हो सकते हैं लेकिन दो नंबर ही इसे आप मान के चलिए। और उसके बाद टीवी चैनल की चौड़ाई कितनी होती है, आप इसको भी मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप बड़े सवाल में आ जाएं तो बड़ा सवाल भी आपका आपके पास है, थोड़े छोटा ही देख लीजिए। कंपोजिट वीडियो सिग्नल से आप क्या समझते हैं? तीन के बारे में आराम से आप लिख सकते हैं, थोड़ा दो चार लाइन इसके ऊपर डाल सकते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार जे एल बेयर्ड साहब ने किया था। रंगीन टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ? HD का पूरा नाम लिख दीजिए, हाई डिफिनिशन। अब वही अगर आठ नंबर के सवाल में आप आएंगे तो राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, और इसको थोड़ा सा विस्तार रूप से समझा दीजिए। रेडियो ब्लैक एंड वाइट और रंगीन टेलीविज़न, वही जो उसके चित्र न आवे तो काला पीला दिखाई देने लगता है। उसके बाद कंपोजिट वीडियो सिग्नल का एक थोड़ा चित्र बना दीजिए, उसके विभिन्न भाग के नाम लिख दीजिए, और थोड़ा सा इतिहास भी टिप्पणी में पूछ सकता है कि पहले भारत में टेलीविज़न का स्तर क्या था, अब क्या है। स्कैनिंग से आप क्या समझते हैं, थोड़ा स्कैनिंग को समझा दीजिए। और अगला चैप्टर इसके अंदर लास्ट जो है, टेलीविज़न रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम। ये बहुत आसान है, ब्लॉक डायग्राम देखने में आपको कठिन लग रहे होंगे लेकिन है बहुत आसान, इसको मैं पढ़ा भी चुका हूँ और आगे भी बताऊँगा तो ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा। और इसके भी व्हाट्सएप मैं आपको दे देता हूँ। और पिछले वीडियो में थोड़ा 20 मिनट का हो गया था जिसमें थोड़ा मैंने कोरोना को भी ले लिया था और उससे बचने के उपाय को भी, तो आप थोड़ा सा उसको फॉलो करिएगा, ज़रूर फॉलो करिएगा। एक बार 10 दिन करके तो देखिए, मैं कर रहा हूँ तो आपको करने में क्या दिक्कत है। तो और इसके अंदर यही है, इससे ज़्यादा ये बड़ा चैप्टर नहीं है और आराम से इसके अंदर आता है। पाँचवा पेपर मैं बार बार कह रहा हूँ कि 40-60 में 40 नंबर से ज़्यादा बच्चे पाए हैं आज तक, आप भी पाएंगे। और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। दीपक सिंह RHAR आपका चैनल भी है, जो उसमें लाइक सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको पढ़िए, सब्सक्राइब करिए जब तक आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद उससे हट जाइए या हमेशा के लिए रखे रहिए, थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिलती रहेगी। और रिमोट कंट्रोल को मैं फिर रिपीट करता हूँ कि आप थोड़ा सा इस पर यूट्यूब से रिमोट कंट्रोल के बारे में जानकारी ले लीजिए। मैं मिनी थैंक्स छात्र और माता पिता को मेरा प्रणाम कहिए।